और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि एक्स और वाई खत्म हो गए, हम चाहें तो हुकूमत का खात्मा आज ही करवा दें। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। इबरतनाक शिकस्त पर हमजा शहबाज शर्म करें और मुस्ताफी होकर जिम्मेदारियां चौधरी परवेज इलाही को संभालने दें। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज हुकूमत अब वेंटिलेटर पर है, जरदारी साहब को भी पता है अब नून लीग की हुकूमत नहीं चल सकती, आम इंतखाबात का ऐलान करने पर शहबाज से बात हो सकती है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद दिन हैं, वो फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। एक्स और वाई थे वो एक्चुअली जेड हो गए, यानी खत्म हो गए। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है, हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा एमएन हमारे रास्ते में, 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राणा सनाउल्ला के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है, वो पंजाब के लिए नासूर है। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है, नंबर वन इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा। मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद ही नहीं है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बगैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।